विश्वास करें जिसने आपको लिखा है, आपको बनाया है, वह दुनिया का सबसे अच्छा लिखारी और सबसे अच्छा बनाने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बात, एक ऐसे बर्तन के बारे में बताएंगे जिसको आपको हमेशा ही साफ और भर कर रखना है। अगर आपने उसे साफ और भर कर रखा तो इंशाल्लाह ताला आपके घर में पैसे की कभी कमी नहीं आएगी, आपको कभी दुख तकलीफ परेशानी नहीं आएगी। सो आप सभी से विनती है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि आपका भला हो जाए, आपके भाग जाग जाएं, आपकी मारी किस्मत बदल जाए, ज़िंदगी बदल जाए, तो आपको अपने मन के बर्तन को हमेशा ही पाक और साफ रखना पड़ेगा, आपकी नियत को पाक साफ रखना पड़ेगा। जैसी नियत वैसा फल। अगर हम सेवा करते हुए जैसी नियत रखते हैं तो परमात्मा हमारे पीरों मुर्शिद हमें वैसा ही फल देते हैं। नियत साफ तो हमारा घर खुशियों से, पैसों से भर जाता है, पीर बाबा हमें कोई कमी नहीं छोड़ते। जैसी नियत वैसा ही फल मिलेगा। बहुत से बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि जैसी हमारी नियत हमें वैसा ही फल मिलता है। इसीलिए अपनी नियत को हमेशा पाक और साफ रखें, अपनी नियत को किसी दूसरों पर बिगड़ने ना दें, अपनी नियत को खराब ना करें। सबके लिए आपकी नियत अच्छी होनी चाहिए, आपके मन में सबका भला होना चाहिए और आप अच्छी नियत से, आप पॉजिटिव नियत से अगर ज़िंदगी में काम करेंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, आप नुकसान में नहीं जाएंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि घर में पैसा बेशुमार आए, हमारे सभी काम बनते रहें, तो अपने नियत के बर्तन को हमेशा पाक साफ रखें, इसे भर कर रखें, तो परमात्मा पीरो मुर्शिद आपके ज़िंदगी के बर्तन को, ज़िंदगी की धन दौलत को कभी ख़त्म नहीं होने देंगे, कभी खाली नहीं होने देंगे। सो अपने नियत के बर्तन को हमेशा भर कर रखें, परमात्मा आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देंगे।